जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11, क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है, नाभि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ऐसे परावर्तक यानी कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो तो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना, लेंस होते हैं ऐसे वाले लेंस, ठीक है। यहाँ से जो रे इसके ऊपर गिरती है, ये इसका फोकस है। आपको पता है कोई भी रे होगी फोकस पे ही आएगी, है ना, फोकस पे ही आती है, ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है। अभी यहाँ पर हम कुछ इमेजिन करना पड़ेगा हमको। तो एक परवलयाकार आपने देखी है ना, आपकी जो डिश लगी रहती है, ये अपनी केबल की जो डिश लगी रहती है, वो ऐसी इसी शेप की तो होती है बच्चों, परवलयाकार, है ना। और उसमें जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, वो रिसीवर्स यहाँ लगे रहते हैं, वो उसके फोकस पे होते हैं। अगर फोकस पे नहीं होंगे ना, तो सिग्नल्स वो रिसीव नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कोई परवलयाकार रिफ्लेक्टर है, उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है ना, ये 20 सेंटीमीटर है। पहले तो हम इमेजिन तो करें, हम करके आ रहे हैं, अपनी डेली लाइफ से उसको जोड़कर देखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी डेप्थ यानी कि गहराई 5, यानी कि ये चीज़ दिस इज, हाँ, ये कितनी है, ये 5। ये हम अगर इसको प्रैक्टिकल वे में देखें, और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका फोकस कहाँ होना चाहिए। ऐसा हो सकता है यहाँ भी हो, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है ना। तो हमें इसको हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर लें, ड्रॉ कर लें, हाँ। तो हम एक पैराबोला बना रहे हैं, और इस पैराबोला को हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। आप भी जानते हैं, अभी हम सब रिवीजन मतलब एक्सरसाइज करते समय कर चुके हैं कई बार। तो इसके 4 प्रकार होते हैं, है ना। तो हमारा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, वो किस एंगल में रखा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी एक्सिस क्या है, कुछ नहीं मालूम। वो हम 4 प्रकार के पढ़ चुके हैं, उन 4 में से कैसा भी हो सकता है। तो हमारे ऊपर फिर चॉइस आ गई ना बच्चों, हम कैसा भी ले सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से जो हमको सबसे इजी लगता है वो ले लेते हैं, गॉट इट। तो ये मैंने ले लिया कि मेरा रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप का है, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है इसका, वो जो इसका डायमीटर है ना, वो 20 है, ये मुझे मालूम है। और ये जो डेप्थ है, ये 5 है, ओके। अब बात ये है बच्चों की, फोकस ये हो सकता है, फोकस इसके आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, कहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिल गया मुझे, मतलब एक हेल्प मिल गई मुझे। वो हेल्प क्या मिली, ये पॉइंट आप बता सकते हो क्या है। ये पॉइंट होगा बच्चों, ये एक्स पे आप चले 5, और ये टोटल 20 था, तो ऊपर 10 नीचे 10, है ना। तो एक्स पर आप चले 5 और वाई पर आप चले 10, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 5 10। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10, है ना, 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अच्छा, मैंने जो पैराबोला इमेजिन किया है, वो इस तरफ वाला किया है, कहीं भी हो सकता है, आप भी करके देख लेना, कोई भी हो सकता है वो। तो आप लिखो यहाँ पर अपने वर्ड्स में, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी y square is equal to 4ax, ठीक है, as its axis is x axis, ठीक है। माना परवलय का समीकरण y square is equal to 4ax है, क्योंकि हमने इसकी अक्ष एक्स अक्ष ली है। ये हमारी टोटली चॉइस थी। आप दूसरे तरह से करके ज़रूर देखना, अपने आप को चैलेंज करना कि कैसे होगा अगर हम दूसरे तरीके से करें, दूसरी इक्वेशन लेकर करें, है ना। तो ये हो गया। अब आप लिखेंगे, नाउ दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5 10 एंड माइनस 5 माइनस 10, है ना, ये 2 लिख लिए। तो
तो अब आप ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे सिर्फ ए ही तो चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, तो दो पॉइंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉइंट काफ़ी है। तो हम रखते हैं यहाँ पर वाई के प्लेस पर आपने रखा 10, ये वाला पॉइंट रखा 10, 10 स्क्वायर हो गया 4a, और एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया 5। आप चाहो तो a की वैल्यू निकालो और आप चाहो तो सीधे 4a की निकालो ना, डायरेक्ट 4a रख देंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4a। तो बच्चों 4a आपका आ गया 20, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन मुझे इक्वेशन तो चाहिए भी नहीं थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फोकस, है ना। तो फोकस यहाँ से आ गया 4a इज इक्वल टू 20, a कितना हो गया 20 अपॉन 4, दैट मीन्स a की वैल्यू 5। यहाँ से भी ले सकते थे, इक्वेशन भी क्या बनानी, 5 आ गया। तो अब आप इसका फोकस निकाल लो, फोकस a 0 है ना बेटे, तो कितना हो गया 5 0, है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, सीधे आ गया a, यहीं से आ जाता a, आ जाता आपका 5 फोकस, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। थोड़ा सा हम राह भटक जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो बस हमें तो फोकस पूछा है। अब 5 0, तो 5 0 तो ये रहा, देखो ना गहराई भी तो 5 ही थी। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोकस लाइज ऑन द डायमीटर, ठीक है, इसका जो नाभि है ना वो इसके व्यास के ऊपर स्थित है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि नाभि व्यास का मध्य बिंदु है, है ना, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर, देखो कितनी हेल्प कर देते हैं ये हमारी, हमसे उन्होंने कह दिया एक्सिस अपवर्ड वाली लेना। और वैसे भी देखो मेहराब क्या होता है, मेहराब जानते हो आप, मेहराब ऐसा होता है, ऐसे ये ज़्यादातर पुरानी जो वो रहती है ना अपनी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ना उनमें जो ऐसे आर्च बनी रहती है, इसको आर्च बोलता है, कोई आर्क बोल देता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई मेहराब है, ठीक है, मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, यानी ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में डेप्थ देखी थी ना ये 5, इसमें इसकी हाइट कितनी है 10, अब की बारी, और आधार में 5 मीटर चौड़ा है, ये 5 मीटर है, ठीक। तो 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया। परवलय, अच्छा परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, द आर्च बोल लो या आर्क, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसको हम डायग्राम के साथ स्वयं करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और बहुत मुश्किल है कि डायग्राम हम एग्जैक्ट बना पाएं, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये मैंने बना दिया कार्टेशियन सिस्टम, और मेहराब कुछ ऐसी ले ली, ठीक, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे, हाँ थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी वैसे ले ली मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्या क्या चीज़ें दी हैं, एक तो ये 10 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 10, ओके, और इसकी जो चौड़ाई है ये 5, ये तो देखो कितना गड़बड़ शड़बड़ डायग्राम बन गया, है ना, ये कहाँ 10 और ये 5 कितनी चौड़ी, एनीवेज आपको तो समझना है, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, ओके। तो अब मुझे बताइए ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट देखो ये एक्स एक्सिस जा रही है, एक्स एक्सिस पर कितना चले हो आप, 2.5 चले हो, 10 पर कितना उतरे हो, 10 उतरे हो, सॉरी वाई पर कितना उतरे हो, 10, तो ये पॉइंट हो गया 2.5 माइनस 10, ठीक है। और इधर बच्चों इधर होगा माइनस 2.5 और माइनस 10, है ना, इस टाइप का पैराबोला, यानी कि जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस हो और डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ हो, ऐसी इक्वेशन कैसी होती है, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, है ना। अब माइनस 4ay तो ठीक है,
इसके ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करता है, ये पॉइंट भी लाई करता है, कोई भी पॉइंट लाई करा दो, तो x के प्लेस पर समझो आपने रखा -10, सॉरी x तो 2.5 है, यहाँ आपने रखा 2.5 का होल स्क्वायर -4a, और y के प्लेस पर -10। ठीक, तो ये बच्चों कितना हो गया, 6.25 हो गया। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 10 हम नीचे ले आते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 4a। 10 नीचे लाए, डेसिमल एक प्लेस सरक जाएगा, कितना हो जाएगा 0.625 इज इक्वल टू 4a। गॉट इट? अब बच्चों 4a आ गया ना, तो एज इट इज उठाकर हम रख देंगे। तो इक्वेशन थी हमारी x square इज इक्वल टू -4ay। यहाँ पर हम 4a की वैल्यू 0.625 रख रहे हैं। ठीक, अब हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि जहाँ ये 2 मीटर गहरा है वहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इतना तो पक्का है बेटा 5 से छोटी होगी, क्योंकि 10 पे जाके 5 हुई है, तो ये तो 5 के आधे के आसपास होगी, हो सकता है उससे भी कम हो, क्योंकि उससे कम ही होगी, ये कहाँ ये 10 कहाँ ये 2 है ना, तो 10 पे जाके 5 हुई है, तो ये तो करीब 2.25 या 2 ऐसी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कितनी आती है। ये पॉइंट होगा कितना बाय द वे, ये तो 2 है ना, -2, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया -2। प्रॉब्लम किसकी है, x की, तो इसको मैं a ले लेती हूँ, a तो है बेटा, h ले लेते हैं, ये तो हमारे फॉर्मूले में h ले लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये चौड़ाई चाहिए ना हमको यहाँ से यहाँ तक, ये तो इतना पोर्शन हमने h ले लिया, उसको हम डबल कर देंगे, तो पॉइंट h -2 वो हम इसके ऊपर लाई करवाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर है ना, और 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से। तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1.250, 1250 होगा ना, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप एच निकालो, एच होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1.125। ठीक, ये तो एच है मतलब एक तरफ का, फिर उसको हमें डबल भी करना है, तो पहले हम 1.25 का लेते हैं स्क्वायर रूट। 1 1 ज़ा 1, ये बचा 0, डेसिमल ऊपर से कॉपी किया पूरा का पूरा 25, 1 का डबल 2 1 लगेगा पास में है ना, तो ये आपका हो गया 21। कितना बचा, 4, 0 0 कॉपी कर लो है ना, 1.1 तक अभी हम पहुंच गए हैं। 11 का डबल कितना हो गया, 22 हो गया ना। अब इसके पास 2 लगा दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही ठीक, अरे बाबा रे, 1.11, तो 221, सब्ट्रैक्ट किया 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 179, एक पेयर और बढ़ा लो। रीज़न उसका ये है कि हमको 2 प्लेस तक चाहिए तो 3 तक निकालना पड़ता है, क्योंकि तीसरे को हम नियम से हटाएंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको 1 दे के जाएगा, 5 से छोटा है तो बिना दिए जाएगा, और अगर 5 है तो इसको देखते हैं कि विषम है कि सम, यानी ऑड है कि इवन। अगर ऑड है तो इसको मिलेगा, विषम है तो इसको मिलेगा, अगर सम है तो नहीं मिलेगा, इवन है तो नहीं, तो ये नियम होते हैं ना। अब 1 1 1 यानी कि 2 2 2, इसका डबल किया तो, और ये 17 है, ये 2 है, तो 2 8 16 होता है, 8 से नहीं तो बेटा 7 से तो ये जाएगा ही जाएगा, तो चलो मैं 7 ही ले लेती हूँ। हाँ, तो ये 5 से तो बड़ा हुआ ना, तो अपना एक डिजिट ये इसको देगा फिर जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.12 लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ठीक, अब 2h बच्चों शब्दों में आपको पूरा लिखना है। हाँ, मैं शब्दों में नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो 2h यानी 2 × 1.12, तो 2.24 आ रहा है बच्चों मेरा तो, है ना, मीटर। आप मैच कर लेना, अगर कहीं पर 0.01 या 0.001 या 0.01 का डिफरेंस है तो इट डजंट मैटर, ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उत्तर भी लगभग है और हमारा उत्तर भी लगभग है ना, तो 2 पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क हो भी तो चलेगा। गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे देखिए, एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पढ़ने में बड़ा उलझा उलझा सा लग रहा है ना। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाई वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बींग 30 मीटर्स एंड द शॉर्टेस्ट बींग 6 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। बच्चों, जब ये क्वेश्चन सामने आया तब मैंने देखा सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है, मेरे को भी नहीं मालूम था, गूगल सर्च किया। ऐसा होता है बच्चों, है ना, ऐसे यहाँ पर टॉवर लगे रहते हैं, फिर आगे फिर से ऐसा होगा, जैसे दिवाली की झालर नहीं लगी रहती है, ऐसा होता है सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, झूलता पुल है ना, इसमें जो सपोर्ट रहता है नीचे मोटी मोटी बार्स होती है, डंडियाँ होती हैं किसी मेटल की, आयरन वगैरह की, ऐसी पैरेलल बार्स लगी होती हैं, ओके, और उनके ऊपर ये पुल रहता है और उसकी शेप थोड़ी, ये मैंने शायद ज़्यादा डीप कर दी होगी, थोड़ी कम होती होगी, वैसे इतनी ही थी उसमें मैंने देखा था। ठीक है, आपको अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो ये पैराबोलिक शेप का है, ओके, जो सबसे छोटी बार है ना वो 6 मीटर की है और जो सबसे ऊंची है वो 30, उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर कैसे जाएगा ये, तो सबसे ऊंची 30 मीटर्स की बार है और सबसे जो नीचे है बेटा वो 6 मीटर्स की है। गॉट इट। अब इस बीच वाली से, ये बीच वाली ये बिल्कुल बीच में है, टोटल ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी चौड़ाई जो विड्थ है पुल की वो है 100 मीटर। अब बीच में से 18 मीटर दूरी पर जो बार लगी होगी उसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ लो। तो मिड कहाँ आएगा, 50 पर, यानी 50 इधर है, 50 इधर है, गॉट इट, और बीच में ये 6 वाली है। इसमें से जब आप 18 मीटर चलोगे तो इसकी बार की लेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, हम अपना एक पैराबोला बनाएंगे, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस जो है हम इसके वर्टेक्स यानी ओरिजिन से जाती हुई बनाएंगे, ये वाली, ये जो सॉरी वर्टेक्स है ना इसका ओरिजिन कर देंगे। अब ये जो 6 मीटर की बार थी बच्चों, ये कहाँ पहुँचा दी हमने, नीचे, है ना, तो अब जो ये 30 थी, 30 ये कितनी रह गई, 24, क्योंकि 6 हमने इसके नीचे पहुँचा दी है, बात को समझो, 30 थी पूरी और हमने इसका वर्टेक्स यहाँ ले लिया, तो उसके हिसाब से ये 30 की यहाँ से ऊँचाई नापी जाएगी यहाँ से, तो कितनी रह गई, 24। अब ये डिस्टेंस बच्चों 18 है ना, हमको ये पूरी की पूरी बार की ऊंचाई बतानी है, हम इतनी बता देंगे प्लस 6 कर देंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा, बात को समझो, है ना। अब ये डिस्टेंस कितनी थी, 50, और ये ऊंचाई हमने कितनी रखी है अब 24, तो ये पॉइंट क्या हुआ, कॉर्नर वाला जो भी पॉइंट होगा वो होगा 50 24, है ना। इस तरफ देखा जाए अगर, इस तरफ, तो ये हो गया आपका -50 और ऊंचाई हो गई 24। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 6 हमने नीचे खिसका दिया है और ये पॉइंट क्या हो गया, 18, और के। अब बोलो इससे सिंपल सवाल कौन सा है, सब कुछ तो है ना। अब ये बच्चों ऐसा वाला पुल है ना, आप जानते हो इस पुल की इक्वेशन क्या होगी, इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही तो होगी बच्चों, है ना, ऐसा वाला जो होता है ना, वाई एक्सिस, जिसकी एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब 50 24 और -50 24 बोथ पॉइंट्स आर ऑन पैराबोला, तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो ये, तो ये लेते हैं, पॉजिटिव है, इसको हम इसके ऊपर लाई करवाएंगे, ओके। तो एक्स कितना है आपका, एक्स है 50, तो ये हो गया आपका 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y कितना है बच्चों, y है आपका 24, तो ये हो गया 2500
अपॉन 24 इज इक्वल टू 4a, पूरा का पूरा 4a ही निकाल रहे हैं हम। तो ये 4 से कैंसिलेबल है, 4 सिक्स आर 24, 4 सिक्स आर 24, 10, 4 टू आर 8, 6 25 अपॉन 6, तो ये आपका 4a आ गया, 6 25 अपॉन 6, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस 4a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो इक्वेशन रेडी हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y, गॉट इट। ये आपका 4a आ गया, 4a था ना, तो 4a के प्लेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आपकी इक्वेशन हो गई, है ना। अब आपको एक्चुअली तो चाहिए k बेटा, एक्चुअली k प्लस 6 चाहिए, लेकिन k तो आना चाहिए ना इस। अब ये जो 18k है, ये पॉइंट भी तो पैराबोला पर है, है ना, तो ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बच्चों ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और नहीं रखते हैं तो एक नुकसान होता है कि हम लिखा हुआ आपको बोलकर बताते हैं, आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। चलिए 18 के हम इसके ऊपर रखते हैं, ये हो गया 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6 इंटू के, ठीक। तो ये हो गया 324, 6 ऊपर ले जाइए और अपॉन में ले आइए, 625 इज इक्वल टू के। थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ कर लें, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 ती 18 और 1 19, 1944 अपॉन 625 इज इक्वल टू के। अब हम इसको डिवाइड भी कर लें, 625 है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है लेकिन ये लंबा जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो 3 टाइम्स किया, 25 दिया 75 और 6 दिया 18, 9 और 6 69 बचा केवल, है ना। ऊपर डेसिमल लगा के 690 बनाया, 1 टाइम्स गया, 625 से ये मुझे लग रहा है कि 65 है, 0 लगाया, फिर 1 टाइम्स जाएगा 625, अभी कितना बचा 2, अब यहाँ 0 आएगा, है ना, और फिर एक 0 मिलेगा, तो 6 4 20, तो अपन इसको 3.11 ले लेते हैं, ओके। तो k की वैल्यू आ गई 3.11 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये k आया है, और k की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा फाइनल आंसर कब बनेगा, जब हम k में 6 प्लस करेंगे, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार एट 18 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, केंद्र से 18 मीटर दूर स्थित, क्या बोला है इन्होंने हिंदी में, तार, समर्थक तार, ठीक है, समर्थक तार की ऊंचाई होगी, ऊंचाई होगी कितनी होगी, 3.11 प्लस 6 दैट इज 9.11 मीटर लगभग, इंग्लिश वाले लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली। होप यू आर एंजॉयिंग, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये डेली लाइफ से जुड़े हुए थे, है ना। तो अपन कई बार हमसे, अब मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों से अक्सर बच्चे लोग पूछते हैं ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कहाँ यूज़ होगा, बता सकते हो, है ना। चलिए आगे की पढ़ाई बेटा अगले वीडियो में हम करेंगे, पढ़ते रहिए और आगे के सम्स खुद करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।